दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके पूर्व पति नवाज शरीफ दोनों ने ही भारत से फिर से बातचीत शुरू करने की गुहार लगाई है। उन्हें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद ये बातचीत संभव हो जाएगी, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करेगा तब तक कोई भी बातचीत नहीं होगी। पहली बात तो यह है कि भारत आपसे बात नहीं करना चाहता। वो इसलिए नहीं करना चाह रहा कि उनको इस चीज की समझ है कि अगर आज आप पाकिस्तान से बात करते हैं तो आप पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम करते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने दहशतगर्दी का जिक्र किया कि पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है, ये हमारे मुंह पे एक तमाचा है बहुत जबरदस्त किस्म का कि हमने बोला कि सर हम ट्रेड करना चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं करना चाहते। लेकिन ये हमारे मुंह पे तमाचा तो बड़े अरसे से पड़े हैं, हमें फील अब हुआ। लेकिन अभी ये जो एक हल्का सा इशारा दिया है इसहाक डार साहब ने, आपके ख्याल में क्या ये ठीक है या फिर जज्बात मजरू हो सकते हैं पाकिस्तानी कौम के? ये बड़े वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि बात भारत से बातचीत हो ही नहीं सकती, ताल्लुकात बहाल ही नहीं हो सकते। पाकिस्तान की पिछले 12-14 साल बल्कि 18-16-17-18 साल की जो स्ट्रगल है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, पाकिस्तान दुनिया में बताना चाहता है कि पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री है। इंडिया ये बताना चाहता है कि नहीं ये एक नॉर्मल कंट्री नहीं है। सो अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात होना शुरू हो जाए तो चीजें ही सारी जो है वो ठीक हो जाए। सब ना देखें कि वो क्या कर रहे हैं, आप पहल करके अपना तो काम निकालें ना, उसके बाद आप अपनी मसलात उनके पास भी भेजते रहें, और अगर नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम के अंदर आप एग्री करते हैं चौधरी सलामत साहब राशिद भाई की बात से और अख्तर साहब की बात से कि हमें अपने इस इमरजेंसी के अंदर रास्ता निकालना चाहिए? जो बात आसिफ इनाम साहब कह रहे हैं बड़ी जज्बाती और बड़ी बड़ी बात है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से प्राइम मिनिस्टर शबाशी साहब ने बोला था कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना जा रहे हैं और गंदम खरीदेंगे इंडिया से, दूसरी अशिया खरीदेंगे, कुछ हम भी बेचेंगे। लेकिन जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं या इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने आज अनाउंस किया है कि हम ट्रेड नहीं करेंगे ना सिर्फ। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, पाकिस्तान ने भाई फिर से भारत से ट्रेड करने के लिए गुहार लगाई है। उनके भाई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ भाई सब ये चाहते हैं कि भारत से ट्रेड करी जाए, पर भाई भारत से ट्रेड करना पाकिस्तान के लिए इतना भी आसान नहीं है। इतना भी आसान तो छोड़ो दोस्तों, पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना भारत के लिए नामुमकिन है, क्योंकि भाई इसके पीछे की एक वजह ये है कि जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी हो गए और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब हो गए, इनका मानना है कि भाई जब तक पाकिस्तान भारत के अंदर अटैक करवाने बंद नहीं करेगा, कश्मीर के अंदर जो भी वो करवा रहा है उसके बिना तो भाई भारत कुछ भी नहीं कर सकता, ना कोई कदम उठा सकता। क्योंकि भाई अगर वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवा रहे हैं तो फिर हम कैसे उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं? हमारे भाई फौजी शहीद हो रहे हैं, उनसे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। इस वजह से भाई भारत ने साफ साफ पाकिस्तान के मुँह पर तमाचा मार दिया है और कह दिया है कि हम तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करना चाहते, जब तक तुम कश्मीर के अंदर हमले करवाना बंद नहीं करोगे तब तक कोई भी मामला ठीक नहीं होने वाले। तो भाई इससे पाकिस्तान की कंडीशन जो है और बेकार होने जाएगी, होती चली जाएगी, बद से बदतर हो जाएगी उनके इकोनॉमिक हालात। हालांकि पाकिस्तान ने पर्दे के पीछे से कई बार भारत से बातचीत की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादियों को भेजना बंद नहीं करता तब तक कोई भी बातचीत संभव नहीं है। पहली बात तो यह है कि भारत आपसे बात नहीं करना चाहता। वो इसलिए नहीं करना चाह रहा कि उनको इस चीज की समझ है कि अगर आज आप पाकिस्तान से बात करते हैं तो आप पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम करते हैं। पाकिस्तान की पिछले 12-14 साल बल्कि 18-16-17-18 साल की जो स्ट्रगल है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, पाकिस्तान दुनिया में बताना चाहता है कि पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री है। इंडिया ये बताना चाहता है कि नहीं ये एक नॉर्मल कंट्री नहीं है। सो अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात होना शुरू हो जाए तो चीजें ही सारी जो है वो ठीक हो जाएं। इंडिया की पॉलिसी यह है कि आप इग्नोर करें। इंडिया की वैसे तो पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तो वो एक स्टेप दूर रहते हैं, साइटिंग द रीजंस के जी आप दहशतगर्दी और कश्मीर और इन चीजों को गो के पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से अपने केस को लड़ सकता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो अदारों और सियासी जमातों की लड़ाई है और जो पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो उस पर कंप्रोमाइज हो जाता है, जिसका भारत भी फायदा उठाता है और पाकिस्तान को भी उसका जाती तौर पर नुकसान हो सकता है सो और रिसेंटली ये जो एक डेवलपमेंट है कि मिलिट्री चाहती है बात हो और पॉलिटिकल पार्टी जो है एक मखसूस वो जो अपोजिशन है वो नहीं चाहते कि बात हो इंडिया से, और उन्होंने तनकीद की है बिलावल भुट्टो की जरदारी के जाने से, तो इससे ऐसे लग रहा है कि एक डिवाइडेड हाउस है। सो डिवाइडेड हाउस किस तरह एक बात कर सकता है, और इसी तरह इंडिया भी ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी हो उसके पास मैंडेट हो, वो पावरफुल हो, जिस तरह मोदी बड़ा पावरफुल है, वो अपनी मर्जी से बात कर सकता है, उसने सिंगल हैंडेडली कश्मीर का स्टेटस बदल दिया। सो मुझे लगता है कि
वी नीड यूनिटी एट होम, और जब चीजें घर में बेहतर होंगी तो भारत ऑटोमेटिकली बात करेगा। अगर आप एक लाइल्मी की सूरत के अंदर, या वो जिस तरह कहते हैं ना जी जोशे खिताबत के अंदर आपने बात कर दी कि जी हमारा जो है वो साथ मुल्क की जो है हमारी नेबर हैं हम दोनों, तो हमें करनी चाहिए ट्रेड, इस तरह नहीं होता। आपको ग्राउंड रियलिटीज का पता होना चाहिए। आप पहले देख तो लें कि पिछले 3-4 साल में आपका रिलेशनशिप उनके साथ ऐसा कैसा है कि वो एकदम से तैयार हो जाएंगे आपसे ट्रेड करने के लिए। आपको बताता चलूं कि रिसेंटली हमने उनसे मेडिसिन ली थी और उसके पैसे भी नहीं हमने दिए, पैसे भी नहीं दिए। तो आप एग्जैक्टली, तो आप ये देख लें कि आपका रिलेशनशिप उनके साथ किस तरह का है। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनसे कि मतलब हम एक, क्योंकि जी एक ऐसी गवर्नमेंट है कि जो टिल्ट रखती है इंडिया की तरफ, सबको पता है इस चीज़ का कि जो शरीफ खानदान है उनका टिल्ट है इंडिया की तरफ, पॉलिटिकली भी वैसे भी वो उनकी तरफ रखते हैं, और जो होना भी चाहिए, मतलब अगर अच्छी बात है ट्रेड तो होनी चाहिए, हाँ नेबर्स के बीच में जो है ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए ताकि मसले ख़त्म हो। लेकिन कन्फर्म ओवर द फैक्ट के मतलब जी, क्योंकि आपने पिछले 4 साल के अंदर आपका एक अग्रेसिव रिलेशनशिप रहा उनके साथ, जो पुलवामा वाला अटैक हुआ उसके बाद जो ये टी वाला सारा और वो फ्लाई पास था, फिर उसके बाद अभिनंदन वाला, और ये सारी चीज़ें जो आपके पता होनी चाहिए, आपको खुद भी पता होनी चाहिए, मतलब ये हमें भी समझ आ रही है कि आपको ये बयान नहीं देना चाहिए था आते साथ ही, जस्ट फॉर द सेक ऑफ के जी मुझे एक जरा ग्रास मिल जाए नेबरहुड के अंदर। तो ये मेरे लिहाज से एक स्टूपिडिटी की थी, हमारी ही गलती थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर की गलती, जस्ट फॉर द सेक यार मुझे कुछ थोड़ी सी इंटरनेशनल जो है ना बैक हो जाए जरा थोड़ी सी कि जी मैं देखे मेरे, हाँ मेरे तो नेबर्स जो हैं मुझे सपोर्ट करते हैं, उस लिहाज से नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा रियलिटी, ग्राउंड रियलिटीज को देखना चाहिए कि आप एक ऐसी पोजीशन के ऊपर हैं कि जब आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको नहीं लगता ये हमारे मुंह पे एक तमाचा है बहुत जबरदस्त किस्म का कि हमने बोला कि सर हम ट्रेड करना चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं करना चाहते। देखिए हमारे मुंह पे तमाचा तो बड़े अरसे से पड़ रहे हैं, हमें फील अब हुआ था कि लगा बात काफ़ी देर से मार पड़ी है इस चीज़ के ऊपर। तो वो बात फिर वही आ जाती है कि आपको खुद पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि आपने कौन सा बयान देना है, कौन सा बयान नहीं देना है। आपकी सनतें बैठ रही हैं, आपके पास कॉटन नहीं है, यौन नहीं है, ये अलग मामला है। उनका नुकता ये है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर जो पाबंदियां वो नहीं हटाता तो हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए। राशिद भाई देखें, अगर कोई ना कोई तो पहल करेगा ना, जब अगर आज हम उनके साथ करेंगे और अगर हम ट्रेड खोलेंगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि हमने एक बॉर्डर पे ताला लगाया, हमने ताला खोले और आज वो आ जाएगा। डेफिनेटली दो मुल्कों के दरमियान में कोई ना कोई एक ऐसा माहिदा होता है, और आप अपनी देखें ये तो हमारे ऊपर है कि हम कैसे बिजनेसमैन है, हमारी मार्केटिंग कैसी है। आप अपनी आप एग्री करते हैं चौधरी सलामत साहब राशिद भाई की बात से और अख्तर साहब की बात से कि हमें अपने इस इमरजेंसी के अंदर रास्ता निकालना चाहिए। जो बात आसिफ इनाम साहब कह रहे हैं बड़ी जज्बाती और बड़ी बड़ी बात है कि जब तक हिंदुस्तान के साथ हमारे मामला ठीक ना हो, पाबंदी ना हटे, तब तक हमें नहीं करना चाहिए। आप ये दो जो हजरात कह रहे हैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हैं, आसिफ इनाम साहब के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हैं। चौधरी साहब ये आपके फौरी तौर पर खोलना चाहिए क्योंकि फैसलाबाद में एक एक दिन में 5,000 रुपए बैग का इंक्रीज हो रहा है। 5,000 रुपए चेयरमैन साहब आ जाए फैसलाबाद में, एविडेंस देता हूँ सट्टा हो रहा है और सट्टा अच्छा। मिलने वाले कर रहे हैं, इसलिए यार्न की प्राइस जो है वो उसका कोई पता नहीं चलता क्या होगी, अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। हाँ। मिलों वालों को बहुत ज्यादा एक्सपोर्टर को तंग कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, पूरे फैसलाबाद में आज को दिखा दूंगा, वो हर आदमी रो रहा है इधर। अच्छा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वाहिद, पाकिस्तान में पीएचडी है टेक्सटाइल की टेक्नोलॉजी के ऊपर, डॉक्टर मुश्ताक मंगत साहब मेरे साथ लाहौर से मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? दोस्तों पाकिस्तान ने पर्दे के पीछे भी भारत से कई बार बात करने की कोशिश करी है कि भारत हमारे साथ ट्रेड कर लो, प्लीज हमारे साथ ट्रेड कर लो, हमारे इकोनॉमिक हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है देश में कि लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। पर भाई भारत का अभी भी एक ही स्टैंस है कि वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो भारत बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेगा। दोस्तों जो भारत है ना उसकी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, जैसा कि हम जानते हैं श्रीलंका की वो कितनी मदद करता है, बांग्लादेश में वो कैसे शेख हसीना को मदद दी उसने भारत में बुला के, मालदीव्स को भी हेल्प करता है। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जब मदद करने की बारी आ जाती है तो भारत ना एक कदम पीछे हो जाता है, क्योंकि भारत जानता है कि ये पाकिस्तान वाले ये जो आतंकी की फैक्ट्री खोल के ये जो कश्मीर के अंदर भेजते हैं ये मदद के लायक ही नहीं है यार। अगर ये मदद के लायक ही नहीं है तो इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस वजह से भारत हमेशा पाकिस्तान को इग्नोर करके चलता है। भाई इग्नोर करके ही चलना चाहिए इन जैसों को, क्योंकि इनकी जो हरकत है ये अपनी हरकतों से बात तो आते नहीं है, तो इनसे भारत दूरी बना के रखता है। और पाकिस्तान को ही पता है कि भारत जो है इतनी बड़ी इकनॉमी है, सब उसके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, एक बड़ी मार्केट है,
उसके बावजूद भाई पाकिस्तान को शर्म नहीं आती कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, आतंकी हमले ना करवाए कश्मीर के अंदर, ताकि कुछ कुछ तो आगे बातचीत बढ़े। ज़रूरी नहीं है ट्रेड हो, पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तब तक तो कुछ होने वाला है नहीं। तो ये भाई देखो, हमारा तो कुछ घाटा है नहीं इसके अंदर, पाकिस्तान की ही बर्बादी हो रही है भारत से ट्रेड ना करके। तो वो जैसे अपने कर्म कर रहे हैं आतंकी भेज के, वैसे ही वो फल भुगत रहे हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब होकर।